Good morning all of you. So today I'm going to take a revision of rectify the error. Because जब भी exam में आता है बहुत सारे लोग इसमें ही mistake करते हो. First, what is the heading? Rectify the underlined sentences. या rectify the error. जो भी underlined sentence अगर आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको सही करना है. The sun shined brightly during the day. अब आप यहाँ देखो, पहले आपको क्या देखना है, verb देखना है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, कि वो रॉन्ग है कि नहीं, तभी आप दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे देखोगे. फर्स्ट देखो शाइन, द सन शाइन ब्राइटली ड्यूरिंग द डे. जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है. सन क्या है, नाउन, एंड इट इज सिंगुलर, एंड शाइन इज अ वर्ब एंड ये भी सिंगुलर है. तो किसे चेंज करोगे आप, शाइन को. वॉट आई एम गोइंग टू राइट हियर, शाइन्स. The sun shines brightly during the day. Second, people is outside. अब बहुत सारे people है, plural है, तो plural में क्या होता, plural में क्या लगता है, are लगता है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, is लगा हुआ है. क्या होना चाहिए, are. As you all know कि singular में is लगता है, I के साथ am लगता है, and plural में are लगता है. So this is wrong. आप इस की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. पीपल आर आउटसाइड. डोंट प्ले विद द ग्लास टेबल, शी मे ब्रेक. अब यहाँ देखो, यहाँ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, टेबल. टेबल क्या है आपका, नन लिविंग थिंग. तो जब नन लिविंग थिंग होता है उसके प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, इट होता है. और यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है. तो दिस इज रॉन्ग. क्या होना चाहिए यहाँ पर, इट होना चाहिए. ओके, इट मे ब्रेक. नाउ दिस इज द बेटर ड्रिंक आई हैव एवर टेस्टेड. मैंने कभी ऐसा ड्रिंक टेस्ट नहीं किया था, ये सबसे अच्छा ड्रिंक है. तो आप ये देख सकते हो, बहुत सारे से कंपेयर हो रहा है और सुपीरियर दिखाया जा रहा है. जब ऐसा होता है तो कौन सा डिग्री यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री. डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने पढ़ाया है आपको, और उसके 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो यहाँ क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव. यहाँ क्या लिखा हुआ है, द. पॉजिटिव क्या होगा, गुड. ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर. और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा. ओके, दिस इज द बेस्ट ड्रिंक आई हैव एवर टेस्टेड. नाउ नेक्स्ट, अ क्लॉक हैव हाउ मेनी हैंड्स. अब एक क्लॉक के बारे में बात हो रहा है, जब सिंगुलर रहता है, सिंगुलर के बारे में बात होता है तो क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं. यहाँ क्या यूज है, हैव यूज है. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, हैज. अ क्लॉक हैज हाउ मेनी हैंड्स. नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर अ बिग कंट्री. अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है, तो इसमें फिर क्या मैंने क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है. लिख क्या होना चाहिए, करेक्ट, इज. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग कंट्री. ओके, नेक्स्ट, अ टाइगर डू नॉट ईट ग्रास. अब एज यू ऑल नो कि सिंगुलर में जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो क्या लगता है, डज लगता है, एंड जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहता है तो क्या लगता है, डू लगता है. टाइगर क्या है आपका, सिंगुलर, तो यहाँ डू होना चाहिए, डज. ऑफ कोर्स डज होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग. क्या होगा, डज. अ टाइगर डज नॉट ईट ग्रास. ओके, नेक्स्ट, आई ऑलवेज कम्स अर्ली टू स्कूल. आई ऑलवेज, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एस नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब लगता है. तो दिस इज रॉन्ग. आई ऑलवेज कम अर्ली टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जल्दी पहुंचती हूँ. द चिल्ड्रन वॉज डांसिंग ग्रेसफुली. अब यहाँ देखो, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है. तो चिल्ड्रेन जब रहेगा तो प्लूरल में क्या लगता है, वॉज लगता है, या वर्ड लगता है. सो ये क्या है, और वॉज किस में लगता है, सिंगुलर में. सो दिस इज द मिस्टेक, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए. नेक्स्ट, लास्ट ईयर आई गॉन टू स्पेन. अब देखो, गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट होता है. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर आई वेंट टू स्पेन. नेक्स्ट, देयर इज अ मॉब ऑफ कीज इन माय कबर्ड. कलेक्टिव नाउन पढ़ा है ना आप लोगों ने. सो कीज का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यस, क्या होता है, बंच. देयर इज अ बंच ऑफ कीज इन माय कबर्ड. नेक्स्ट, दिस बुक इज माय. माय क्या है,
ये रॉन्ग है, यहाँ क्या होना चाहिए, माइन होना चाहिए. दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन. दिस जो प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन विच शोज पोजिशन बिलोंगिंग, उसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं. सो दिस बुक इज माइन इज कर. दे आर एंग्री विद देम सेल्फ. अब यहाँ देखो देम सेल्फ प्लूरल है तो यहाँ देम सेल्फ होना चाहिए, एस ई एल वी ई एस. ओके, आई परफॉर्म माइंड ड्यूटी, मैंने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया. फिर यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, आई परफॉर्म माई ड्यूटी. ओके, नाउ दिस होटल इज एक्सपेंसिवर दैन द अदर वन. अब देखो यहाँ करेक्ट है लेकिन ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में ई लगता है लेकिन कुछ कुछ में मोर एंड मोस्ट भी लगता है, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव में. सो यहाँ क्या होना चाहिए, मोर एक्सपेंसिव. ओके, आई आर राइडिंग माई न्यू बाइसिकल नाउ. अब आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है. आई एम राइडिंग माई न्यू बाइसिकल नाउ. Did the train left the platform? See this one. Did the train left the platform? Did आपका पहले से क्या है, past tense. तो यहाँ क्या होना चाहिए, और यहाँ left है तो this is wrong. दो past tense एक साथ नहीं हो सकता है. क्या लिखूंगी मैं, leave the platform. Basic form लिखना होगा. And this is interrogative sentence. I shall lock the door. Shall है future tense, तो future tense के साथ past tense तो नहीं लग सकता है. क्या लिखूंगी मैं, आई शैल लॉक द डोर. द बीज आर हम आर ओवर द फ्लावर्स. दिस इज आर नाउ साउंड विच बीज मेक. जो बीज का साउंड निकलता है उनका, उनको हम बोलते हैं ये साउंड है. सो आर है, जब आर लगता है तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पढ़ा है आप लोगों ने, आई एन जी लग जाता है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमिंग. एंड एज यू कैन सी हियर हमिंग में डबल एम है. द बीज आर हमिंग ओवर द फ्लावर्स. लास्ट वन, दिसंबर हैव हाउ मेनी डेज. अब दिसंबर एक मंथ के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर. सो यहाँ क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए. सो व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी. थैंक यू.